पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे एक ईविल स्पिरिट ने अनन्या का भेस लेके अब वो अनन्या के घर में रहने लगा है और अनन्या अपने घर के पीछे वाले घर में बंद हो चुकी है। अब आगे, अनन्या की मम्मी अगले दिन अनन्या को उठाने आती है। वो अनन्या के रूम में जाती है और फिर अनन्या से कहने लगती है, बेटा उठो उठो बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या, लेट हो रहा है। तब फिर अनन्या बोलती है, नहीं। अनन्या की मम्मी बोलती है, क्यों, क्या हो गया, आज स्कूल क्यों नहीं जाना है? अनन्या बोलती है, मुझे फीवर है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जा सकती। फिर अनन्या की मम्मी उसका टेम्परेचर चेक करती है तो ये पता चलता है कि अनन्या को फीवर सही में है। फिर अनन्या की मम्मी बोलती है, ठीक है, आज तुम स्कूल मत जाओ और आराम करो, और अगर तबीयत खराब होती है तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। अनन्या की मम्मी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जिससे बात कर रही है वो एक्चुअल में अनन्या नहीं बल्कि कोई ईविल स्पिरिट है। फिर रात में जब सब डिनर करने के लिए जाते हैं तो अनन्या जैसी ही पहला बाइट खाती है उसको उल्टी होने लगती है। वो जाके उल्टी करती है और फिर वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं खाना और नहीं खा सकती, और फिर जाके वो सो जाती है। अनन्या की मम्मी अनन्या के पापा से कहते हैं, पता नहीं इसको अचानक से फीवर कैसे हो गया, दिन भर इसने कुछ नहीं खाया, लंच के समय भी ये उल्टी कर रही थी, ना जाने क्या होगा। फिर वो लोग सब जाके सो गए। फिर बीच रात अनन्या जागती है और चेक करती है कि उसकी मम्मी पापा सो रहे हैं कि नहीं। जब उसने देख लिया कि उसके मम्मी पापा सो रहे हैं तो वो घर के बाहर निकल जाती है और फिर वो किसी के घर में जाके उसको खाने लगती है। वो इंसान को खा रही थी। अगले दिन ये बात फैल गई कि किसी की हत्या हो गई है और किसी ने बेरहमी से उसकी हत्या की है और उसके कुछ ऑर्गन्स भी गायब है, पर उनको ये नहीं पता था कि वो ऑर्गन्स किसी ने खा लिए हैं। अब लोगों के बीच में दहशत का माहौल था। फिर जैसी ही रात हुई अनन्या खाना नहीं खाई और बोली कि मुझे भूख नहीं है, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, और फिर वो जाके सो गई। वो फिर वेट करने लगी कि कब उसके मम्मी पापा भी जाके सोएंगे। फिर रात के 2 बजे जब उसने देखा कि अब उसके मम्मी पापा सो चुके हैं, वो फिर से बाहर जाके शहर के सड़कों पर घूमने लगी और जैसे ही उसको कोई इंसान अकेले दिखा उसने उसके ऊपर हमला कर दिया और फिर वो उसे खाने लगी। अब पूरे शहर वाले डर गए थे कि अचानक से ये हत्याएं क्यों होने लगी हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस भी अभी और मेहनत करने लगी थी ये पता लगाने की कर कौन रहा है, पर किसी को भी अनन्या के ऊपर शक नहीं हो सकता था। ऐसी लड़की जो बीमार है वो किसी की हत्या कैसे कर सकती है, और ऊपर से वो तो नाबालिग थी। कोई भी नहीं सोच सकता था ये सारी मर्डर अनन्या कर रही है। 4-5 दिन ऐसा चलता रहा और उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा अभी परेशान हो चुकी थी। एक तो उसकी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी और फिर शहर में भी दहशत का माहौल था। आज जब वो लोग डिनर कर रहे थे अनन्या ने फिर से खाना नहीं खाया, और फिर जैसे ही वो अपने रूम में गई अनन्या की मम्मी ने अनन्या के पापा से कहा, सुनिए मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, अनन्या पिछले 5 दिनों से बीमार है, आज आखिरी दिन है, अगर कल भी उसकी कंडीशन बेहतर नहीं होती है तो फिर आप उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं चाहे वो कुछ भी बोल दें। अनन्या के पापा बोलते, तुम सही कह रही हो, बहुत दिन हो गया ऐसे चलते हुए, कल मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा अगर वो ठीक नहीं हो जाती है। फिर अनन्या की मम्मी अनन्या के रूम में जाती है और देखती है कि अनन्या सोने की कोशिश कर रही है पर वो सो नहीं पा रही है। फिर वो उससे बोलती है, कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। तो अनन्या बोलती है, नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
और इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्कूल गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाऊँगी और फिर मेरी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे बस बहुत सारी रेस्ट की ज़रूरत है। अनन्या की मम्मी कुछ नहीं बोलती और अपने रूम में जाती है और सो जाती है। तभी उसे एक भयानक सपना आता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मम्मी कहाँ हूँ, मम्मी बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मम्मी मम्मी। अनन्या की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने अपने सपने में अनन्या को देखा था, किसी रूम में वो लॉक्ड थी और वो बोल रही थी कि उसकी माँ उसे बचाए। ये सपना देख के अनन्या की मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए वो अनन्या के रूम जाती है पता लगाने कि अनन्या ढंग से सो रही है कि नहीं। पर जैसे ही वो अनन्या के रूम में जाती है तो अनन्या वहाँ पर थी ही नहीं। वो पूरे घर में ढूंढने लगती है पर उसे अनन्या कहीं नहीं दिखाई देती। फिर वो किचन की खिड़की से बाहर गार्डन में चेक करती है तो उसे देखता है कि गार्डन के पास वाले रोड में अनन्या किसी इंसान को खा रही थी। उसकी मम्मी ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती है। फिर जैसे ही वो देखती है कि अनन्या अब उठने वाली है तो वो छुप जाती है ताकि अनन्या उसकी मम्मी को ना देख सके। फिर अनन्या की मम्मी अनन्या के रूम में जाके रोने लगती है और कहने लगती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अनन्या ये सब नहीं कर सकती है, इतने सारे मर्डर उसने किए हैं, वो कैसे खा सकती है लोगों को, वो मेरी अनन्या नहीं है। नहीं 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 नहीं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ऐसे अनन्या की मम्मी करने लगती है। फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है और जल्दी से अपने रूम में छुप जाती है और देखने लगती है कि अनन्या जैसे ही आती है तो वो क्या करेगी। फिर वो देखती है कि अनन्या मेन डोर से अंदर आई और फिर वो अंदर आते ही बाथरूम में चले गई नहाने। अनन्या की मम्मी फिर अनन्या के रूम में जाती है ये प्रिटेंड करते हुए कि वो अनन्या को ढूंढने आई है। जैसे ही अनन्या की मम्मी उसके रूम में फिर से जाती है वो सामने वाली खिड़की में देखती है और खिड़की से उसे वो पुराना घर दिखाई देता है और उस पुराने घर के खिड़की से उसे असली अनन्या दिखाई देती है जो कि वहाँ का खिड़कियों को पीट रही थी और बोल रही थी, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मम्मी देखो मैं यहाँ हूँ। अनन्या की मम्मी ये देख लेती है और तभी पीछे से उसे आवाज़ सुनाई देती है, मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो। अनन्या की मम्मी पीछे मुड़ती है तो उसे अनन्या दिखाई देती है। अनन्या की मम्मी को समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि ये अनन्या नहीं है बल्कि कोई और है, क्योंकि उसकी जो अनन्या है वो उस घर में ट्रैप्ड हो चुकी है और उसकी अनन्या ऐसे लोगों को मर्डर करके खाएगी नहीं। फिर वो एक्टिंग करते हुए अपनी नकली बेटी से बोलती है, अनन्या तुम्हारे पापा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं, उनको फीवरिश लग रहा है तो अभी हमें फार्मेसी जानी होगी, तुम जैसे ही रेडी हो जाती हो मुझे नीचे कार में मिलो। फिर अनन्या उनकी बात मान लेती और रेडी होने के लिए चले जाती है और अनन्या की मम्मी कार में जाके बैठ जाती है और उसका वेट करने लगती है। फिर अनन्या आती है और वो कार में जाने लगते हैं। आधे रास्ते पहुँचने पर अनन्या की मम्मी बोलती है, अनन्या तुम जानती हो तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कल ही वो मुझसे बोल रहे थे कि कैसे वो तुम्हारे बचपन को याद कर रहे थे, उनको तो तुम्हारी फर्स्ट डॉल भी याद है जिसका नाम सारा था, तुम्हें वो डॉल बहुत ज़्यादा पसंद थी, तुम हर समय उसी के साथ रहती थी और उसको साथ में लेके सोती थी। तब अनन्या बोलती है, मुझे याद है वो डॉल, वो मेरी फेवरेट डॉल थी। फिर अनन्या की मम्मी बोलती है, वो तुम्हारी फेवरेट डॉल थी, अनन्या को तो कभी डॉल पसंद ही नहीं थे। फिर जो नकली अनन्या है वो बोलती है, तो आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया कि मैं अनन्या नहीं हूं। अनन्या की मम्मी बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी बेटी को वहां पे क्यों बंद कर दियो, मैं जानती हूं तुम वो नहीं हो। फिर अनन्या फिर से बोलने लगती है, मैं वही हूँ, मैं वो नहीं हूँ। और जैसे ही अनन्या की मम्मी को लगता है कि ये अभी उसके ऊपर अटैक करेगा, अनन्या की मम्मी कार के बाहर निकल जाती है और कार को बंद कर देती है और फिर
वो पीछे डिक्की से पेट्रोल का एक डब्बा लाती है और कार के ऊपर पेट्रोल फेंक देती है। फिर जो अनन्या अंदर थी वो बोलने लगती है, क्या कर रहे हो मम्मी आप, ये क्या कर रहे हो, मैं अनन्या हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप क्या क्या रहे हो। फिर अनन्या के बाप बोलती है, तुम मेरी बेटी अनन्या नहीं हो सकती, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो हर समय खेलती रहती थी, हंसती रहती थी, उसे मेरा खाना बहुत पसंद था, चाहे वो कितने भी बीमार हो जाए वो मेरा खाना खाने से कभी नहीं मना करती थी, और ऊपर से मैंने तुम्हें देखा तुम कैसे किसी को खा रही थी। और जैसे ही अनन्या की मम्मी ने ये बोला, उसने गाड़ी पे आग लगा दी और फिर वो पैदल पैदल घर चले गई। घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। घर पहुँचते ही वो अपने हस्बैंड को सारी बातें बताती है और फिर वो लोग उस पुराने घर में जाके अपनी बेटी को बचाते हैं। अनन्या अब समझ में ही नहीं आ रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। आखिर बेचारी खाती भी तो क्या खाती, उस बंद से घर में उसे सिर्फ पानी मिल रहा था और वो भी पानी साफ पानी नहीं था। फिर उनको किसी पड़ोसी से पता चलता है कि जो पीछे वाला घर है उसमें एक बूढ़ी औरत अकेले रहती थी। उस घर में इतना जगह था कि उसमें 10 लोग फिट हो सकते थे, पर फिर भी वहाँ पे वो अकेली औरत रहती थी। पर वो औरत ऐसी वैसी औरत नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी औरत थी। कोई भी आदमी उस घर के आसपास नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पे वो औरत रहती थी, और कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने उस औरत को लोगों को खाते हुए देखा था। वो लोग को समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी लोगों को क्यों खा रही थी। एक्चुअल में उस घर में जो ईविल स्पिरिट थी वो उस बूढ़ी औरत की थी जो लोगों को खाती थी, और उसने अपना भेष बदल के अनन्या के घर में रहने लगी थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, दो कमेंट डाउन बिलो। और ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।